गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के 4 बार से सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने ही गढ़ में हराने के बाद अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने वाले नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर केपी यादव का अशोकनगर जिले के मुंगावली विधानसभा में भव्य जन आशीर्वाद यात्रा एवं आभार सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद डॉक्टर केपी यादव ने सभी वरिष्ठ लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। इस दौरान डॉक्टर केपी यादव कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के घर भी पहुंचे और उनसे मुलाकात भी की। इस दौरान सांसद केपी यादव ने कन्या पूजन के साथ विजय जुलूस की शुरुआत की। जुलूस चंदेरी रोड से शुरू हुआ, जो कि करीब 4 घंटे तक चला। इस दौरान सांसद डॉक्टर केपी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये मेरी जीत नहीं है, ये समस्त जनता की व क्षेत्र की जीत है, इसलिए मैं अपनी जान लगा दूंगा। यहाँ पर किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था, गरीब मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था करने की भरपूर कोशिश करूंगा। क्षेत्र की जनता के लिए मेरा प्रथम कार्य और संकल्प है। साथ ही केपी यादव ने यह भी कहा कि हमेशा से गलत काम का विरोधी रहा हूँ, गलती करके कोई भी मेरे पास नहीं आवे उसका साथ कभी नहीं दूंगा। साथ ही सही काम के लिए क्षेत्र की जनता के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। मेरा दिल और मेरे घर के दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए खुले हैं, चाहे आधी रात को भी आप आएंगे तो हमेशा मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सिर्फ आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि कभी कोई गलत काम ना करें, क्योंकि गलत का साथ मैं कभी नहीं दे पाऊंगा, मेरे स्वभाव में नहीं है। सच के लिए मैं जी जान लगा दूंगा, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, हमेशा आपका सहयोग करूंगा, आपके कंधे से कंधे मिलाकर काम करूंगा। इसी तरह आपका प्यार और स्नेह मुझे मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।